नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे मन में एक जिज्ञासा रहती है कि जो स्मार्ट मनी जो कि इस मार्केट को चलाता है वो अपना प्रॉफिट किस समय बुक करता है, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं, ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जहां पे स्मार्ट मनी अपने प्रॉफिट को बुक कर लेता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स या इवेंट्स या ट्रिगर्स जिसके ऊपर स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी हम निवेश करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, म्यूचुअल फंड में हो, गोल्ड में हो, कहीं पे भी अगर हमारा निवेश अप्रिशिएट हो रहा है तो वहां पे जो प्रॉफिट हमें दिखाई देता है वो केवल नोशनल होता है जब तक उसको बुक नहीं किया जाता। उसको हम पेपर प्रॉफिट भी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट वही है जो हमारी पॉकेट में आ जाए, तो वहां पे प्रॉफिट को बुक करना जरूरी है। चाहे वो स्मार्ट मनी हो, चाहे वो रिटेल निवेशक हो, चाहे वो DIIs हो, म्यूचुअल फंड्स हो, प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में हम अपने चैनल पे बहुत बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ऐसे कौन से इवेंट्स हैं, कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ऐसा क्या होता है कि जहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है? तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एलोकेशन डिसिप्लिन। दोस्तों, मेरी जो लर्निंग है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे एलोकेशन डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है स्मार्ट मनी के द्वारा। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये एलोकेशन डिसिप्लिन होता क्या है। दोस्तों, मान लीजिए स्मार्ट मनी ने डिसाइड किया, एक ब्रॉडर व्यू अगर हम लें कि भाई हम अपना 70% पैसा जो है वो इक्विटी में लगाएंगे और 30% पैसा जो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब इक्विटी के अंदर काफ़ी तेज उछाल आया, तो अब आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसके अंदर इक्विटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 70% से 80% हो गया और डेट का जो कंट्रीब्यूशन है वो बाय डिफॉल्ट कम हो गया 30% से 20%। तो दोस्तों, ये जो डिसिप्लिन होता है, जो एसेट एलोकेशन का डिसिप्लिन होता है, उसके हिसाब से इक्विटी के अंदर 70% से ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्विटी के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये जो एलोकेशन है ये सेक्टर स्पेसिफिक भी हो सकती है। मान लीजिए 5 सेक्टर्स के अंदर निवेश किया हुआ है, लेकिन अब एक पर्टिकुलर सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उसकी वजह से उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका जो शेयर है पूरे पोर्टफोलियो में वो बढ़ गया, लेकिन दूसरों का ऑटोमेटिकली कम हो गया, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर लिया जाएगा। तो ये एलोकेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, सेक्टर स्पेसिफिक हो सकती है, ब्रॉडर लेवल पे हो सकती है। अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, अगर मान लीजिए स्मार्ट मनी जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर है, तो अलग अलग इकोनॉमीज के अंदर इस तरह का एलोकेशन हो सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक एलोकेशन हो सकता है। तो ये सब कारण होते हैं, ये सबसे प्रमुख कारण होता है जहां पे प्रॉफिट को बुक किया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आज की वीडियो के एजुकेशनल पार्टनर हैं IIFL होम लोन बॉन्ड्स। दोस्तों, IIFL होम लोन बॉन्ड्स आपको ऑफर कर रहे हैं फिक्स्ड यील्ड 10% अगले 7.25 इयर्स के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय FD का जो एवरेज इंटरेस्ट रेट है वो 5.5% के आसपास है, लेकिन यहाँ पे IIFL होम लोन बॉन्ड्स के अंदर आप केवल ₹10,000 से अपना निवेश करके पा सकते हैं 10% फिक्स्ड यील्ड। दोस्तों, IIFL होम लोन बॉन्ड्स का इशू जो है वो ओपन है 6 जुलाई 2021 से 28 जुलाई 2021। दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है मंथली, एनुअल और क्यूमुलेटिव। दोस्तों, एक खास बात, ये जो IIFL होम लोन बॉन्ड्स हैं ये लिस्टेड होंगे BSE और NSE पे, तो उसके बाद लिस्ट होने के बाद आप इसको बहुत आसानी से ट्रेड भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे कोई TDS डिडक्शन नहीं होगा क्योंकि आपकी जो होल्डिंग है वो DMAT मोड में होगी और इसकी जो रेटिंग दी गई है क्राइसिल के द्वारा वो AA है, जो कि स्टेबल रेटिंग है, और दोस्तों ब्रिक वर्क्स के द्वारा AA+ की रेटिंग दी गई है। आप बहुत आसानी से निवेश कर सकते हैं UPI और ASBA के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आप IIFL होम लोन बॉन्ड्स के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और बहुत आसानी से IIFL होम लोन बॉन्ड्स के अंदर निवेश करके
10% फिक्स्ड यील्ड पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा कारण होता है कि फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे इन्वेस्ट तभी किया जाता है जब फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी सेक्टर के अंदर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कोई ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है या उसका जो फ्यूचर है वो इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज दी जाती है कि आने वाले समय में जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है वो कैसी रहने की संभावना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा रियल एस्टेट सेक्टर का। आपको ध्यान होगा कि अप्रैल में मैंने एक वीडियो में चर्चा की थी कि रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो वहाँ पे दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की जा रही थी स्मार्ट मनी के द्वारा, तो वो उसकी वजह से आपने देखा कि रियल एस्टेट के स्टॉक्स जो हैं उन्होंने काफ़ी कम समय के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट की गई थी या की जा रही है अभी भी दोस्तों, ये फ्यूचर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को देख के की जा रही है। तो इसलिए मैंने रियल एस्टेट का एग्जांपल लिया ताकि आपको ये पॉइंट मैं काफ़ी अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पे दोस्तों एक न्यूज़ रिपोर्ट मैं रिसेंटली पढ़ रहा था जहाँ पे जेफरीज के जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हेड हैं मिस्टर क्रिस वुड, उन्होंने अपना एक इंडिया ओनली लॉन्ग इक्विटी पोर्टफोलियो डिक्लेयर किया है जिसके अंदर 16 स्टॉक्स हैं। उसके अंदर 3 स्टॉक्स दोस्तों रियल एस्टेट के हैं और इसके अंदर रियल एस्टेट की जो वेटेज है वो 17% है। तो फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रख के ये जो है निवेश किया गया है। इसकी चर्चा हम अप्रैल के महीने में ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। तो दोस्तों जब अगर फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखेंगी तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो ट्रिगर है या पॉइंट है वो है दोस्तों एक प्री डिसाइडेड टारगेट होता है। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है उसका एक प्री डिसाइडेड टारगेट होता है। जब वो टारगेट हिट हो जाता है, एक कॉमन सेंस की बात है कि वहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लिया जाता है। तो ये टारगेट कितना है, किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, ये तो स्मार्ट मनी की इंटरनल कैलकुलेशंस होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि वो लोग टारगेट के ऊपर आधारित अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। दोस्तों चौथा होता है न्यूज़। न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट में। कोई अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो वो एक बहुत अच्छा ट्रिगर होता है प्रॉफिट बुक करने का। आप काफ़ी लोग पूछते हैं, काफ़ी रिटेल निवेशक पूछते हैं, इसके बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद स्टॉक का प्राइस उसके बाद गिर क्यों जाता है। उसके पीछे कारण यही होता है कि जब पॉजिटिव न्यूज़ आती है वहाँ पे एक बाइंग प्रेशर बन जाता है स्टॉक के ऊपर, उससे टारगेट हिट हो जाता है स्मार्ट मनी का और वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स उस पॉइंट पे एंट्री करते हैं जिसकी वजह से वो एक हायर लेवल पे एंटर करते हैं और जब प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो जाती है, बड़े प्लेयर्स या स्मार्ट मनी वहाँ से निकल जाता है तो बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, इसकी वजह से वो स्टॉक नीचे गिर जाता है। दोस्तों पांचवें नंबर का पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। स्मार्ट मनी गवर्नमेंट पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा वेटेज देता है, इंपॉर्टेंस देता है जब भी उनको निवेश करना होता है। कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज से पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा या नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, इसका एक काफ़ी गहन एनालिसिस किया जाता है। तो दोस्तों उसके बेसिस पे अगर मान लीजिए स्मार्ट मनी को लगता है कि आने वाले समय में कोई पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक जिसको फ़ायदा ना हो या जिसको नुकसान हो सकता है तो वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे छठे नंबर का जो पॉइंट है वैल्यूएशंस। यहाँ पे जो वैल्यूएशंस हैं उनकी अपनी एक इंटरनल कैलकुलेशन होती है वैल्यूएशंस की। अब दोस्तों कोई भी इसका एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं होता कि कौन सा लेवल जो है ओवर वैल्यूड है, कौन सा लेवल अंडर वैल्यूड है। किसी के लिए एक पर्टिकुलर लेवल ओवर वैल्यूड हो सकता है जबकि किसी बड़े प्लेयर के लिए वो लेवल जो है अंडर वैल्यूड हो सकता है। तो यहाँ पे जब स्मार्ट मनी को लगता है कि ये स्टॉक या सेक्टर अब एक ओवर वैल्यूड हो चुका है तो वहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी मैं फिर आपको क्लेरिफाई करना चाहूँगा, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती, ये सब फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पे आधारित होता है, निर्भर करता है कि आने वाले समय में ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है तो वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
किसी समय येस बैंक 70 या 80 रुपए के ऊपर काफी सारे निवेशकों को अंडर वैल्यूड लगता था, तो आज वो 13-14 रुपए पे है, 15 रुपए पे है, तो वो ओवर वैल्यूड लग रहा है। तो ये एक स्टैंडर्ड कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसलिए मैंने येस बैंक का एग्जांपल दिया। ये सब जो है इंटरनल वैल्यूएशंस होती हैं, हर किसी की वैल्यूएशन करने का तरीका अलग अलग होता है। दोस्तों यहाँ पे सातवें नंबर का पॉइंट है, अगर मान लीजिए स्मार्ट मनी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, नॉर्मली वो FIIs होते हैं, उनका एक ग्लोबल पोर्टफोलियो होता है। अगर वो ग्लोबल रिजिक करते हैं, जहाँ पे वो अपना पैसा या जो एलोकेशन है वो अलग अलग इकोनॉमीज को करते हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। यहाँ पे दोस्तों मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि 2018 के अंदर जब MSCI का रिजिक हुआ था, वहाँ सऊदी अरेबिया को एमर्जिंग मार्केट जो इंडेक्स है उसके अंदर इंक्लूड किया गया था, तो वहाँ पे दूसरी कुछ मार्केट्स थी, वहाँ से पैसा निकाला गया था, वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया गया था। तो दोस्तों ये जो रिजिग है इसकी वजह से भी प्रॉफिट बुक किया जाता है, क्योंकि रोटी का एक हिस्सा है, अब उसको कैसे डिवाइड करना है ये स्मार्ट मनी अपनी इंटरनल कैलकुलेशंस के द्वारा करता है। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत बड़ी भ्रांति, एक बहुत बड़ा भ्रम या एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो कि रिटेल निवेशकों के दिमाग में होती है। अगर उनको ये पता लगे कि स्मार्ट मनी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्टॉक जो है वो गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के तरीके होते हैं। कोई स्मार्ट मनी को हम स्मार्ट मनी किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। उनको ऐसे तरीके आते हैं जिससे वो बिना ज़्यादा गिरावट देखे अपना प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं मार्केट में, ये किसी भी तरीके से किए जा सकते हैं, मीडिया के द्वारा, न्यूज़ रिपोर्ट्स के द्वारा। तो वहाँ पे जब रिटेल निवेशक उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बुलिश हो जाए, तो नॉर्मली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की जाती है। जैसे कि मैंने आपको न्यूज़ वाले पॉइंट में भी बताया, नॉर्मली जब पॉजिटिव न्यूज़ आती है वहाँ पे जो लोग पहले से निवेशित हैं, स्मार्ट मनी जो पहले से निवेशित है, वो अपना प्रॉफिट वहाँ पे बुक करना शुरू कर देता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ पे जो भी लर्निंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।